हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल में एक बार से फिर से स्वागत करता हूँ। मनाली पेट्रो से रिलेटेड हमने यहाँ पर वीडियो बनाई थी, एक महीने पहले ही बनाई थी। और यहाँ पर अपनी एंट्री ली थी और मैंने ये शेयर खरीदा था, बट मैंने अभी ये पोजिशन काट दी है। ओके, और क्यों काटी है वो पोजिशन, मैं उससे रिलेटेड यहाँ पर बातें करने वाला हूँ। देखिए, जब यहाँ पर शेयर से रिलेटेड बातें करी थी तब एक अच्छा रिटर्न भी मिलता हुआ नजर आया यहाँ पर हमने ये शेयर खरीदा था। उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग 109 रुपए पे ये गया था, लगभग 15 से 20% के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आए थे। और इसके बाद शेयर यहाँ पर आप देखेंगे गिर के एक कंसोलिडेशन मोड पे यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, पर मैंने ये पोजिशन काट दी। क्यों काट दी है उसके रिलेटेड मैं यहाँ पर बातें करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके लीजिएगा। सबसे पहले मनाली पेट्रोल पे आने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये है चेन्नई चेन्नई पेट्रो। ओके, और इसके रिजल्ट आए थे, तो इसके रिजल्ट जब आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्जिन पे इफेक्ट आता हुआ दिखाई दिया, प्रॉफिट पे इफेक्ट आता हुआ दिखाई दिया। बट सेल्स यहाँ पर अच्छी खासी थी, बट स्टिल कंपनी यहाँ पर एटलीस्ट यहाँ पर कंपनी को ईयरली बेसिस पे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। और उसके बाद आप देखेंगे चेन्नई पेट्रो की हालत खस्ता होती हुई दिखाई दी और 14 से 15% ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। और यहाँ पर भी मुझे अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। ओके, और मैंने अपनी पोजीशन उस दिन नहीं काटी जिस दिन गिरा था, अभी पर मैंने परसों जिस दिन यहाँ पर ये शेयर ऊपर इसने अपने टच किया था। अगर देखिए, ये चीजें सीखने की होती है, अगर आप यहाँ पर सीखेंगे ना तो आपको पता चलेगी। देखिए, ये शेयर यहाँ पर गया था तो मैंने यहाँ पर पोजीशन काट ली थी। क्यों काट ली थी? क्योंकि ये यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस था, ये इतनी जल्दी यहाँ पर ये इसे क्रॉस नहीं करने वाला था, पोजीशन काट ली थी। और आज ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। और मनाली पेट्रो की हम बात करें तो मनाली पेट्रो में क्या होता हुआ नजर आ रहा है कि मनाली पेट्रो आज के दिन 3% जरूर भागा है। कल इसके रिजल्ट है, कल या परसों इसके रिजल्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो चेन्नई पेट्रो की बात करें, इसके रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, सब कुछ यहाँ पर खराब होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा MRPL के भी आई थिंक रिजल्ट आ गए हैं या आने वाले हैं। हाँ, इसके भी रिजल्ट आए। MRPL में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर MRPL की मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये भी तो इसके रिजल्ट आए, इसके रिजल्ट देख सकते हैं नेगेटिव में आते हुए दिखाई दिए। तो इन दोनों ने मुझे बता दिया कि भाई यहाँ पर ये शेयर खराब हो गए हैं, अब यहाँ पर एंट्री लेना कोई फायदे वाली बात नहीं है। प्लस में मनाली पेट्रो जब मैं यहाँ पर मैंने जब वीडियो बनाई थी उस टाइम मुझे यहाँ पर पोटेंशियल नजर आ रहा था, बट इन दोनों के रिजल्ट ने वो पोटेंशियल यहाँ पर खत्म करता हुआ दिखाई दिया। शेयर की बात करें, कंपनी का शेयर काफी बेहतरीन है और हम यहाँ पर देखते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू भी 300 के आसपास है। और यहाँ पर आप देखेंगे मनाली पेट्रो की यहाँ से यहाँ तक भी जाता है तो अच्छा खासा बनेगा, और हाई भी इसने 150 का लगाया है। बट शेयर यहाँ पर देखेंगे ना क्वार्टरली रिजल्ट्स, अगर बाय चांस के रिजल्ट आते हैं और बेकार आ जाते हैं, ओके, 300 देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इसके जो सेल्स है वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है और एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस में 17% का लास्ट टाइम था यहाँ पर मार्जिन क्वार्टरली बेसिस पे, और ईयरली बेसिस पे मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो 40% है, 40 और 38%। तो मुझे यहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं बनता, मार्जिन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा और अगर नेगेटिव यहाँ पर रिटर्न आ जाते हैं तो मनाली पेट्रो अपने ये जो सपोर्ट है इसे भी तोड़ देगा और तोड़ के यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई देगी और बहुत बुरा ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। तो इस वजह से मैंने मनाली पेट्रो में क्या किया है, मनाली पेट्रो में अपनी पोजीशंस काट दी है और FIs ने भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है। एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे डॉली खन्ना ने यहाँ पर भी, इन्होंने भी थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करती हुई नजर आई है। इस वजह से मैंने इस पर्टिकुलर मनाली पेट्रो से पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जिट कर दिया है। प्लस में जो मेरी स्टडी है, ओके, यहाँ पर समझ में आ रहा था मैंने एक गलत बैट ले ली है और क्यों ले ली है वो भी मेरे को समझ में आ गया, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 से 4% ये तीसरी स्टेज थी, तीसरी के बाद चौथी स्टेज ये आती हुई दिखाई दे रही है और ये चौथी स्टेज यहाँ पर रुकने नहीं वाली। अब ये कौन सी चाकू है, ये गिरता हुआ चाकू है, अगर मैं इसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो ये और गिर सकता है। तो ये इसके टारगेट मुझे अब नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये पर्टिकुलर शेयर सेल में यहाँ पर अपनी पोजिशन काट दी है। आज 3% भागा है, बट इस 3% को अच्छा मत समझिएगा, क्योंकि क्या होगा कि जब ये इसके रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट से पहले की बौखलाहट है, ओके, जिस जो यहाँ पर दिखा रहा है, बट ऊपर ये बड़े बड़े लोग फंसा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है उसे टच नहीं करके चुपचाप नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब
इसके लिए सपोर्टर जैसे ये तोड़ देता है नीचे, तो मुझे यहाँ पर इसके रिजल्ट बहुत बेकार आते हुए दिखाई दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चेन्नई और मैंगलोर। ओके, और ये अगर यहाँ पर नेगेटिव में आ जाते हैं तो ये शेयर और गिरता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा सावधानी से, अगर ये शेयर यहाँ पर भागेगा भी, अब यहाँ पर जो मेरी स्टडी है उसके हिसाब से मैं बताऊं तो हम एंट्री लेंगे यहाँ पर। ओके, जब ये यहाँ पर 110-112 का लेवल यहाँ पर तोड़ देगा उस टाइम मैं इस पर्टिकुलर शेयर में एंट्री लूंगा, उसके बाद यहाँ पर हम पैसा बनाएंगे। बट अभी एंट्री यहाँ नहीं लेनी है, नीचे का जब आ जाएगा उस टाइम यहाँ पर देखेंगे, सोचेंगे। और यहाँ पर कम से कम 6 महीने तो यहाँ पर कुछ बनता हुआ नजर आता ही नहीं है। ओके, एक या एक साल तक यहाँ पर कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आता, तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर शेयर में एग्जिट कर चुका हूँ। मैं चेन्नई पेट्रो में एग्जिट कर चुका हूँ, मुझे यहाँ पर अभी पैसे बनते हुए नजर नहीं आ रहे। लॉन्ग टर्म में बन सकते हैं बट अभी नहीं बन सकते। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी कर रहे हैं। और इस चीज को कैसे पहचानना है, टेक्निकल रिसर्च, एसेट एलोकेशन, फंडामेंटल सब सिखाया जा रहा है, और वो भी 1-to-1 क्लासेस में, जहां पर दूसरों से कंपेयर कर लीजिएगा इस कोर्स को। टेक्निकल के ही बहुत महंगी फीस लेते हैं बट यहाँ पर पर्सनल 1-to-1 सिखाई जा रही है। 8860540501, 8169261037। टेक्निकल के ऐसे ऐसे पैचरे सिखाऊंगा जहाँ पर आप कुछ भी कर लीजिएगा पैसा बनेगा ही बनेगा। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।